प्रभावशाली व्यक्ति मंत्र अभी हम देखेंगे खुद के लिए कि चार लोगों में हमारा प्रभाव कैसे अच्छा पड़े, कैसा हमारा व्यक्तिमत्व प्रभावशाली बने, इसके लिए हम देखते हैं खुद को। जैसे कहीं पर हमको जाना है इंटरव्यू के लिए बोलो, कोई फंक्शन में जाना है, या फिर कहीं पर हमें जाना है वहां पर हमारा प्रभाव समझे लोग, यानी दिखे लोगों को, उन पर पड़े, तो उस टाइप पे वो जहां पर भी हमें जाना है उसको एक फ्रेम में देख लेना है। वो फ्रेम भी हमें यानी हमारे हाथों से व्हाइट लाइट ऐसा प्रकाश पड़ा है, या फिर हमारे आज्ञा चक्र से, फिर या फिर हमारे हार्ट चक्र से ऐसे एक व्हाइट लाइट पड़ा है, वो फ्रेम में देखना है। और उस फ्रेम में हमने खुद को देखना है, जैसे हम आईने में देखते हैं खुद को, तो वैसे वो फ्रेम में देखना है। और उस दिन हमें वहाँ पे हमारा प्रभाव कैसे पड़ा है, जैसे प्रभाव हमारा पड़ता है कॉन्फिडेंस से हमारा, तो हम कॉन्फिडेंट हो गए हैं, या फिर हम एकदम बहुत अच्छे लवेबल ऐसे सिचुएशन में रहते हैं तो वो हम वो सिचुएशन में है, हम शांत और सौम्य इसमें है, तो वो एक अलग ही हमारा प्रभाव पड़ता है। वैसे वो सिचुएशंस उस फ्रेम में खुद को देखे, और वहाँ पर हमारे हाथों से यानी हर काम करने के पहले रेकी को तो आह्वान करना ही है कि मैं खुद को धन्यवाद देती हूँ, मैं रेकी को धन्यवाद देती हूँ, और खुद के लिए कर रहे हैं तो मैं खुद को ही धन्यवाद देती हूँ, या फिर यहाँ पे तीसरे टाइम पे हम किसी और को दे रहे हैं तो उनको नाम दे उनका नाम लेना है कि उनको धन्यवाद देती हूँ। लेकिन अभी मैं आपको अपने लिए बता रही हूँ, इसलिए मैं खुद को धन्यवाद देती हूँ, मैं रेकी को धन्यवाद देती हूँ, मैं खुद को धन्यवाद देती हूँ, ऐसे 3 बार इसको आह्वान करना है, रेकी को महसूस करना है। और वो जो भी हमने फ्रेम देखा था जहाँ पे हमने खुद का प्रभाव देखा था, प्रभावशाली व्यक्तिमत्व देखा था, उसको हमने ऐसे करके रेकी देना है, यानी यहाँ से प्रकाश व्हाइट लाइट जो जा रहा है ये देखना है, सोचना है। और जब तक हमारे हाथों से वाइब्रेशंस आते हैं, कुछ ऊर्जा निकल रही है ऐसे देखना है, और तब तक जब तक हमारी ऊर्जा रुकती नहीं है, शांत नहीं होती, तब तक उसे रेकी देना है। ये हमें अगर रोज करें तो रोज का लाइफ के हमारे हमें रोज के लाइफ में हमारा प्रभाव लोगों पर बहुत अच्छा पड़ता है। अब इसके बाद भी अगर हमारे मन में कुछ नेगेटिव ब्लॉकेजेस आते हैं, या कुछ बाधाएं आते हैं, या फिर निराशा डिप्रेशन ऐसा कुछ आता है, तो हमारे सर दर्द में, या फिर फिजिकली सर दर्द हो रहा है, नेगेटिविटी या रोना आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, किसी ने कुछ बोल दिया तो बुरा फील कर रहे हैं, किसी के लिए गुस्सा आ रहा है, द्वेष हो रहा है, तो ये सब नेगेटिव ब्लॉकेजेस है। तो ऐसे हमारे अगर सर में आता है तो हम इसको ऐसे जैसे हम घास निकालते हैं ना जमीन से, वैसे हमारे ये ब्लॉकेजेस हम निकाल रहे हैं, ऐसे ऐसे करके निकालना है और एक काल्पनिक भट्टी तैयार करना है, जैसे ऐसे देखना है कि जैसे वो जल रही है काल्पनिक ऐसे, और वहाँ पर ये सब निगेटिविटीज जो भी हमारे मन में है, बाधाएं, वो सब हम ऐसे ऐसे खींच रहे, घास निकाल रहे और सब जमा कर रहे वो निगेटिविटी, और वो काल्पनिक भट्टी में उसे जला देना है और जलते हुए देखना है। ऐसे 20 से 25 बार करना है अगर हमारे सर में निगेटिविटी है, या फिर शारीरिक तौर पर भी दुखना कुछ है तो, कुछ यानी टेंशन वगैरह भी हो गया तो। उसके बाद अगर हमारे शरीर में कहीं पर भी वेदना है, जैसे घुटने दर्द दे रहे, कमर दर्द दे रहे, हमारे खुद के या फिर औरों को भी जब हम ट्रीटमेंट देते हैं, तो पहले रेकी देने से पहले वहाँ के निगेटिव ब्लॉकेजेस इसे जैसे घास निकालते उपटते हैं, वैसे वो निकालना है, खींच के निकालना है। तो घुटने में जैसे घुटने में दर्द है तो घुटने में ऐसे हम लोग ऐसे जैसे इसको खींच रहे हैं, वो दर्द पूरा ऐसे देखना है और वो पूरा कलेक्ट करना, जमा करना, और सब वो काल्पनिक भट्टी में जल रहा है ऐसे देखना। और वो उसके बाद अपना हाथ रखना है, जैसे घुटने पर हाथ रखना है कि यहाँ पे मुझे मैं पूरा दुरुस्त हो गया है और पूरे ब्लॉकेजेस निकल रही है, ऊर्जा का प्रवाह एकदम साइलेंटली और फोर्स यानी अच्छे से पूरे ऊपर नीचे सहजता से मेरी ऊर्जा फ्लो हो रही है। और सिम्बॉल्स देना है कॉन्शियसनेस से कि चुकुरे और रेखी देना है जब तक हमारे हाथों की ऊर्जा शांत नहीं होती है। वैसे ही हमारे पीठ के दर्द में, पेट के दर्द में, छाती के दर्द में, कंधे के दर्द में, सर दर्द में, हाथ दर्द में, जो भी दर्द है हमारा लाइफ का यानी हमारे शारीरिक, कहीं पर भी निगेटिव ब्लॉकेजेस उसको खींच कर निकालना है, भट्टी में जलाना है और वहाँ पे रेखी देना है। रेखी देते हैं तो ब्लू लाइट इमेजिनेशन में ऐसे बह रहा है
सहजता से ऊर्जा बिल्कुल बह रही, जैसे ब्लड बहता है हमारे वाहिनियों में से, वैसे वो नाड़ियों में से, काल्पनिक नाड़ियों में से ये सब ऊर्जा बह रही है बहुत फोर्सफुली, ऐसे इमेजिन करना है। और पूरा ये देना है, सिम्बॉल देना है हॉन्शाइजेशन से कि चोकरे, और जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर मेलून, हार्थ और जोनार ये भी दे सकते हैं। और पावर सिम्बॉल से उसको क्लोज करना है, क्लोज करना है यानी आखिरी में फिर से पावर सिम्बॉल देना है। तो इस प्रकार हम खुद के निगेटिव ब्लॉकेजेस निकाल सकते हैं। दिन भरे में अगर हमने इतना सब कुछ किया फिर भी रात को सोते समय हमारे मन में कहीं निगेटिविटी या फिर कुछ बातें रह गई है तो वो लेके सोना नहीं है, इसलिए फिर फुटबॉल एक्सरसाइज रोज करना है। जैसे सुबह का एक्सरसाइज मैंने बताया है वैसे ये रात को सोते समय फुटबॉल का एक्सरसाइज करना है। तो ये इसमें करना है कि जैसे तो हम तो रोज तो सुबह रहते ही रेकी लेंगे सब करेंगे, लेकिन फिर भी सोते समय कभी कभी एक आधा कुछ थॉट या फिर कुछ हो ही जाता है कि रह गया अगर निगेटिविटी, तो उसको कैसे हम दूर करके सोएंगे। तो बस जस्ट आखिरी इसमें जैसे हमें नींद लग रही है ऐसे तब ये करना है, इमेजिनेशन में एक बॉल देखना है फुटबॉल जैसे, वो काले कलर का रहेगा, उसको जैसे काट लेना है, दो टुकड़े करना है और उसमें जो भी हमारा निगेटिव थॉट्स रहा है, दुख रहा है, निराशा, डिप्रेशन जो भी है, द्वेष, क्रोध, किसी के लिए गुस्सा या फिर कुछ भी जो भी असत्य बात है हमने किसी से बोली है, वो नहीं बोलना चाहिए था, किसी का बुरा सोचा है, वो जो भी निगेटिव थॉट है वो सब उसमें डाल देना है और उसको एक तो ग्लू लगा के चिपका देना है या फिर सील लेना है ऐसे पक्के से, और उसको उसमें सिम्बॉल डालना है कि ये यहाँ ब्रह्मांड में यानी निकल जाए, ब्रह्मांड में भी नहीं डालना है, ब्रह्मांड से बाहर फेंकना है अपने को। तो वहाँ पे और कॉन्शियसनेस से कि चोकरे और ये जो भी मेरे थॉट्स है वो सब यहाँ से मैं निकाल रही हूँ, फेंक रही हूँ, पूरे वहाँ पर निकालना है और उसको किक मार के इस ब्रह्मांड से ही बाहर निकल गया है ऐसे देखना है। इस तरीके से रात को सोते समय भी एक भी थॉट निगेटिव या फिर कहीं पर भी ब्लॉकेजेस लेके सोना नहीं है, क्लियर करके सोना है माइंड को, जो भी हुआ आज के दिन हुआ खत्म, कल सुबह नया दिन मेरे लाइफ में आएगा, इस टाइप से सोच के सोना है। और सोते समय निगेटिव थॉट्स, पुराने आज के जो भी थॉट्स रह गए उसको लेके नहीं सोना है। ये फुटबॉल एक्सरसाइज रोज से करना है, रोज से करना है।